ये गाड़ी पाकिस्तान में ऑल्टो की छुट्टी करके रख देगी, क्योंकि इस गाड़ी ने आपको देनी है 1 लीटर में 35 किलोमीटर फ्यूल एवरेज। और मजीद तफसीलात हम जानते हैं आज की इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। अस्सलामुअलैकुम मौजूद खवातीनो हजरात, वलीद अब्बास एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आ गया वो शाहकार जिसका था बड़ी बेसब्री से इंतजार, द लेजेंड द वन एंड ओनली Daihatsu जापानीज मीरा 660 सीसी। ये गाड़ी पाकिस्तान में अपना एक अलग मकाम रखती है, क्योंकि ये गाड़ी टक्कर देने जा रही है पाकिस्तान की मोस्ट सेलिंग हैचबैक कार जो कि सुजुकी ऑल्टो है, और उसको टक्कर देने जा रही है। और मैं आपको आज की इस कंप्लीट वीडियो के अंदर बताऊंगा इस गाड़ी के अंदर क्या ऐसे फीचर्स हैं कि जो इसकी खूबसूरती को और इसकी इंफॉर्मेशन को ज्यादा एडवांस बनाती है। तो आप दोस्तों का टाइम वेस्ट नहीं करते, बढ़ते हैं और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 500 लाइक, तो मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह आप लाइक टारगेट पूरा कर देंगे। तो चलते हैं और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। जी हां, तो नाज़रीन इस वक्त आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो गाड़ी मौजूद है ये Daihatsu मीरा 2007 मॉडल है, और इस गाड़ी की प्रॉपर डिटेल फीचर्स और एडवांस फीचर्स तमाम तर बातें बताऊंगा। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि 2007 मॉडल गाड़ी इस वक्त वेरी अर्जेंट फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। कहां पे गाड़ी मौजूद है, कहां की रजिस्टर्ड है, वो भी आपको तमाम तर बातें बताता हूं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि गाड़ी एक्चुअल साइज में कैसी है। गाड़ी की टोटल जो लेंथ है वो 3395 मिलीमीटर है, गाड़ी की जो विड्थ है वो 1305 मिलीमीटर, हाइट गाड़ी की 1500 मिलीमीटर है। और इस गाड़ी के अंदर आपको जो सबसे अच्छी चीज मिलती है वो है इस गाड़ी की रोड ग्रिप और इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि सुजुकी ऑल्टो के मुकाबले में इस जापानीज 660 सीसी गाड़ी में आपको काफी बेहतर मिल जाती है। उसके अलावा इस गाड़ी की रियर सीट्स को आप सेम ऑल्टो की तरह फोल्ड करके और ट्रंक में काफ़ी जो है वो स्पेस बना के सामान वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। गाड़ी में आपको हैलोजींस में हेडलाइट्स दी जाती हैं और सेम बैक लाइट्स का भी ऑप्शन विद इंडिकेटर्स के साथ फ्रंट एंड बैक हैलोजींस के अंदर ही ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है। गाड़ी के तमाम तर डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, फाइल बुक अवेलेबल है, जस्ट बाय एंड ड्राइव वाली गाड़ी है, आफ्टर परचेजिंग कोई काम करवाने की जरूरत नहीं है। बैक प्रोफाइल आप गाड़ी का देख सकते हैं, बैक से भी गाड़ी में कोई टचिंग नहीं है, ओवरऑल गाड़ी में कोई स्क्रैचेस, कोई टचिंग या कोई एक्सीडेंट नहीं है। फ्रेश कंडीशन के अंदर मीरा इस वक्त 2007 मॉडल के साथ आपके सामने फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। फुल ऑप्शन के साथ है, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडोज, रिट्रैक्टेबल मिरर्स, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, जेन्युइन इंजन है गाड़ी का। और अगर हम इंटीरियर पे चलें तो गाड़ी में आपको एयर बैग्स, उसके अलावा एयर कंडीशनर, हीटर, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, कप होल्डर्स, इमोबिलाइजर, पावर डोर लॉक, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडोज और पावर मिरर्स के ऑप्शन। गाड़ी में आपको CVT ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन प्रोवाइड की जाती है। 4 लोग इजीली इस गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। चाइल्ड लॉक एंड कीलेस एंट्री का फीचर भी आपको मीरा के अंदर बआसानी मिल जाता है। उसके अलावा इस गाड़ी में आपको जो मैक्सिमम स्पीड मिलने जा रही है वो है 140 किलोमीटर पर आवर गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड है। CVT ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन है इस गाड़ी के अंदर, और गाड़ी में आपको काफ़ी बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है विद 4 स्पीकर्स के साथ। एयर कंडीशनर, हीटर, कप होल्डर्स के ऑप्शन आपको गाड़ी में प्रोवाइड किए जाते हैं। देन अगर हम चलें गाड़ी की बॉडी की जानिब तो गाड़ी की बॉडी आपको ऑलमोस्ट जेन्युइन पेंट में मिल जाती है, और गाड़ी पे आउटर पे टचअप्स माइनर होंगे लेकिन मेजर टचअप नहीं है। उसके अलावा बात आ जाती है गाड़ी के इंजन की, तो गाड़ी के इंजन की जानिब अगर हम चलें तो गाड़ी में आपको 660 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपको 48 हॉर्स पावर, 6800 RPM पे एंड 57 न्यूटन मीटर का टॉर्क 5200 RPM पे प्रोड्यूस करके देता है। 140 किलोमीटर पर आवर गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड है, और ये गाड़ी आपको तकरीबन 30 किलोमीटर पर लीटर फ्यूल एवरेज देती है, जो कि एक बड़ी ही अच्छी बात है अगर 660 सीसी इंजन के लिहाज से अगर सोचा जाए। उसके अलावा इस गाड़ी की जो प्राइस है वो है 11,95,000, जो कि ऑलमोस्ट फाइनल प्राइस है, इसमें कोई कमी नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ओनर की कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, आप इजीली इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। जी तो वलीद मोटर्स के लवर्स, कैसी लगी आपको वीडियो, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगा करें, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन आप तमाम दोस्तों के लिए खाली है। आज की इस वीडियो के अंदर यही डिटेल थी, आपका भाई आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।